हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि ऑस्ट्रेलिया विस्टर वीज़ा या न्यूजीलैंड वीज़ा की बात साथ में कर लेंगे। दुबई से अप्लाई करने का क्या प्रोसीजर है और साथ में अभी के लिए वीज़ा ट्रेंड क्या चल रहा है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, थोड़ी सी डॉक्यूमेंटेशन को लेकर भी बात कर लेंगे। सो जो भी यूएई में बैठे हैं, मीन टू से कि जब, क्योंकि दुबई जो है वो आप स्टेट काउंट कर सकते हो, 7 स्टेट होती है इसकी, तो यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में आप अबू धाबी भी हो सकते हो, दुबई हो सकते हो, शारजा हो सकते हो, जहाँ और जो बाकी स्टेट्स में हो सकते हो। तो मतलब ओवरऑल वहाँ से अगर आपने ऑस्ट्रेलिया का या न्यूजीलैंड का विस्टर वीज़ा अप्लाई करना, तो सिनेरियो क्या, सारे हम डिस्कस करेंगे। वीडियो को एंड तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। कुछ डाउट होता है आप इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली बात की इन दोनों ही कंट्री का, ऑस्ट्रेलिया की बात कर लो या न्यूजीलैंड की बात कर लो, वीज़ा का टोटल जो प्रोसेस होता है वो ऑनलाइन चलता है। वीज़ा भी जो आता है ई वीज़ा आता है। तो सबसे इजी ये चीज़ है कि आपको कहीं भी पासपोर्ट लेके जाना नहीं पड़ता। हाँ, एक डिफरेंस आएगा कि बायोमेट्रिक के लिए आपको जो है एक बार बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। मतलब स्पेशली ऑस्ट्रेलिया की अगर बात कर लो, तो ऑस्ट्रेलिया के लिए बायोमेट्रिक होने मैंडेटरी है। तो आप दुबई में बैठे हैं, अरब कंट्रीज में कहीं बैठे हैं, तो आपके लिए सबमिशन के बाद बायोमेट्रिक देना जरूरी है। अदरवाइज बाकी जो सिस्टम है वो सारा सेम ही चलता है। तो आपका कोई भी भाई बहन हो सकता है, कोई रिलेटिव हो सकता है, दोस्त हो सकता है जो ऑस्ट्रेलिया में बैठा है, न्यूजीलैंड में बैठा है, वो आपको इनविटेशन दे सकता है। इनविटेशन नहीं है तो आप होटल पे भी फाइल जो है वो लगा सकते हैं। तो होता क्या है, प्रोसीजर कैसे चलता है, आप अपना इनविटेशन या होटल डिसाइड करो, उसके बाद आप ऑनलाइन फाइल जो है इमी अकाउंट बना के स्टार्ट कर सकते हो। इमी अकाउंट में आपका जो है फॉर्म फाइल होता है, ऐसे न्यूजीलैंड का रियल मी अकाउंट होता है, वहाँ भी आपका फॉर्म ही फिल होता है सारा। फॉर्म फिल करने के बाद आपने लगाने डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन में अब क्या चीज़ें हैं, देखिए डॉक्यूमेंटेशन में आप जब अरब कंट्री में होते हैं तो आपका पासपोर्ट तो इंडिया का है, लेकिन आपका जो जॉब है उसका आपको जॉब का कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट या जॉब प्रूफ मिला होता है, जहाँ आपका वीज़ा भी चलो एम्प्लॉयर स्पेसिफिक ही होता है, वो वीज़ा की कॉपी होगी, आपका रेजिडेंट कार्ड हो गया, आपकी पे स्लिप्स होगी। और कोशिश करें, जो कि थोड़ा सा मुश्किल रहता है, कि जो दुबई या आसपास की जो स्टेट में या कंट्रीज़ में होते हैं उनके लिए एनओसी लेना बड़ा मुश्किल होता है। ऑस्ट्रेलिया के लिए फिर भी चीज़ें चल जाती है, लेकिन न्यूजीलैंड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो कोशिश करें, अगर हो सके तो आप एनओसी जॉब से या लीव लेटर एटलीस्ट जॉब से ले ले, तो आपके वीज़ा के चांसेस 5-10% और इंक्रीज हो सकते हैं। प्रोफाइल कैसा चाहिए इन कंट्री में, देखिए इन कंट्री में क्या है कि प्रोफाइल आपका ज़्यादातर जो लोग होते हैं उनकी जो सैलरी, अगर दुबई की बात कर लो तो सैलरी मैक्सिमम की जो होती है वो 2-3 हज़ार दिराम के आसपास में रहती है, जो कि हम इसको एवरेज से बिलो वाला प्रोफाइल काउंट करेंगे। हाई रिस्क होता है रिफ्यूजल कैसे किसी में, बट स्टिल यू कैन ट्राई करना, सबका राइट है। तो लेकिन ऐसे केसेस में अभी भी या पहले भी कोई इतनी ज़्यादा सक्सेस जो है नहीं आ रही थी, कोविड से पहले अच्छी थी, अभी भी बहुत कम सक्सेस है ऐसे में। हाँ, जब सैलरी आपकी 4-5 थाउजेंड दिराम से ऊपर है, 10 थाउजेंड दिराम तक है, तो भी रिस्क में आप रहते हो, लेकिन फिर भी ऐसे जो केसेस होते हैं उनके वीज़ा लगने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। नॉर्मल प्रोफाइल जो मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में बताया उनसे डबल ट्रिपल गुना ज़्यादा ही होते हैं। लेकिन अब बात यह है कि ओवरऑल देखिए, डॉक्यूमेंटेशन में तो वही चीज़ें हैं, आपके पासपोर्ट से लेके आपका जो नेशनल आईडी हो गया, आपका आधार कार्ड वगैरह हो गया, फैमिली के आईडी प्रूफ्स हो गए, आपके फाइनेंशियल हो गए, बैंक स्टेटमेंट होगी, जॉब के प्रूफ हो गए, एनओसी होगी, सैलरी स्लिप्स होगी, स्टेटमेंट में थोड़े बहुत आपके फंड पड़े हों, चीज़ें तो यही चाहिए आपको, वीज़ा ऑफ करंट कंट्री वो भी आपको चाहिए, यही चीज़ें चाहिए। बट यहाँ पे क्या है, ये सब कुछ होने के बाद भी जो सक्सेस रेट है वो दुबई या आसपास की कंट्री से कोई बहुत ज़्यादा नहीं रहता इन कंट्री का, ठीक है, ये रियलिटी है। देखिए आप ज़्यादा इसमें कुछ नहीं कर सकते, अटैम्प्ट जरूर करें, लेकिन इन कंट्रीज में अगर आप बैठे हो, अप्लाई करते हो, इवन साथ में अगर कहीं कोई सिंगापुर बैठा हो तो उस पर भी इम्प्लीमेंट होता है, तो आपके लिए वीज़ा लेना चैलेंज तो रहता ही रहता है। जी हाँ, करंट सक्सेस की बात करते हैं, इसी के रिलेटेड ये इस चीज़ को लेते हैं कि करंट सक्सेस के रिफ्यूजल रेशो इन कंट्रीज से काफ़ी हाई है। बहुत से लोग हैं, जब मैं रियलिटी बताता हूँ तो वो कहते हैं जी नेगेटिव चीज़ बताई जा रही, देखिए मैं रियलिटी बता रहा हूँ, रियलिटी कुछ भी हो सकती है, रियलिटी जब पॉजिटिव होएगी तो मैं पॉजिटिव बताऊंगा। मैंने न्यूजीलैंड को लेके वीडियो बनाई थी कि न्यूजीलैंड के लिए बहुत अच्छा पॉजिटिव ट्रेंड चल रहा है, तो जो सच है वो सच ही रहता है, चाहे वो किसी को अच्छा लगता है या नहीं लगता, लेकिन रियलिटी यही है कि इन कंट्रीज से वीज़ा लेना आज की डेट में, ऑस्ट्रेलिया का तो बहुत मुश्किल हो चुका है, न्यूजीलैंड भी जो है काफ़ी हद तक अब टफ हो चुका है। तो मीन टू से कि चैलेंज बहुत है, लेकिन आपके पास अल्टरनेटिव नहीं है तो आप अटैम्प्ट करो, हर किसी का राइट अटैम्प्ट करना, कोई इतना बड़ा रिफ्यूजल लगती है तो इतना बड़ा आपका लॉस नहीं होगा। एक फाइनेंशियल, हाँ
मिनिमम फाइनेंशियल जो है आपका 25-30 हज़ार की इन्वेस्टमेंट विद एम्बेसी फीस होती है, तो आप अप्लाई करो। ऐसा ना हो कि कोई आप ऐसा बंदा ढूंढो जो आपसे पहले हजारों में या लाखों में चार्ज करना चाहता है, स्पॉन्सर के नाम पे पैसे लेना चाहता है कई चीज़ें, और बाद में रिफ्यूजल दे दे, क्योंकि चांसेस मैंने जो आपको बता दी है कि ऑन एन एवरेज UAE से आप बैठे फाइल लगा रहे हो ऑस्ट्रेलिया की, तो चांसेस आपके 55-60% से ऊपर नहीं जाने। इवन आपकी सैलरी अगर 5000 ग्राम है तो भी इसके आसपास रहने, जो कम वाले उनके तो 30-40% मुश्किल से बनते हैं। देखिए न्यूजीलैंड के लिए सेम प्रोफाइल पे चांसेस 60-65 या 70 के आसपास रह सकते हैं, डिपेंड करता है फाइल को कितने अच्छे तरीके से प्रेजेंट करें, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में चल जाता है, लेकिन न्यूजीलैंड के लिए आपको डे टू डे प्रॉपर आइटनरी जो है वो लगानी जरूरी है कि आप क्या करने आ रहे हो, आपको पर्पज और विजिट जो है उसको बहुत प्रॉपर वे में अपनी प्लैंड एक्टिविटी को दिखाना जरूरी है। तो कहीं भी अप्लाई करते हैं अपना कवरिंग लेटर वगैरह खुद भी देख लें, अपना जो आइटनरी वगैरह है उसको खुद भी चेक कर लें, ताकि आपका प्लान जो है वो प्रॉपर हो कि आप करने क्या रहे हो। ये न्यूजीलैंड ज़्यादा देखता है, जबकि ऑस्ट्रेलिया में चीज़ें मैटर करती है, लगाओ जरूर बट थोड़ा बहुत चल जाता है ऑस्ट्रेलिया में, अगर प्रोफाइल वगैरह ठीक होना तो बहुत सी चीज़ें वो इग्नोर कर देते हैं, बहुत मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर भी वीजे लोगों के आ जाते हैं, लेकिन कीप ट्राइंग। लेकिन जो दुबई में है उनके लिए एक मैं और गोल्डन टिप दे देता हूँ, मेरी जो एडवाइस है जो दुबई में प्रॉपर जॉब सेक्टर में होते हैं, जैसे जो शेफ होते हैं मेरे लिंक में काफ़ी शेफ हैं, उनमें मैंने एक चीज़ देखी है कि उनका जो सब क्लास 482 वीज़ा होता है ना, जिनको नहीं पता आप चेक कर लेना, ये एम्प्लॉयर स्पेसिफिक होता है, वर्क वीज़ा ही आप बोल लो इसको, इसका सक्सेस रेट काफ़ी हाई है। मीन टू से कि जो ऑस्ट्रेलिया का दुबई के शेफ के लिए जो वीज़ा है कुकिंग सेक्टर में, उस वीज़ा का सक्सेस रेट बहुत अच्छा है। एक्सपेंसिस आपके थोड़े शायद ज़्यादा हो सकते हैं, वो आप लोकल दुबई में जो एजेंट होकर वहाँ से पता कर लेना, लेकिन विजिटर से ज़्यादा मैं कहूँगा कि जो दुबई में जो शेफ लाइन वाले बंदे हैं वो इस सेक्टर में 482 सब क्लास के अंडर अप्लाई करने की कोशिश करें। आप पहुंच जाओगे विद इन 6-7 मंथ, आप सारी स्किल्स असेसमेंट करवा लो, सब कुछ करवा के आप जो है अगले 6-8-10 महीने के अंदर अंदर दुबई में होंगे ऑन ए ऑफिशियल वर्क परमिट, 2-4 साल का वो वर्क परमिट होगा। लेकिन सही कंसल्टेंट जरूर ढूंढ ले, मैं कोई वर्क परमिट नहीं कर रहा तो मुझे ना मैसेज करे कि हाँ बताओ कौन सा कंसल्टेंट है, मेरे पास कोई लिंक नहीं है, लेकिन जो मेरे लिंक में लोग गए हैं उन्होंने दुबई से ही लोकल 2-3 एजेंट होते हैं, वो आप खुद सर्च कर लो, जो आपसे जो है ज़्यादा चार्जेस नहीं ले रहा, नॉमिनल चार्जेस ले रहा, जो जेन्युइन होगा वो आपको पता चल ही जाएगा आपके जो लिंक में है, क्योंकि वो वेरीफाई करना आपकी ड्यूटी है। सो ये दुबई से लेके जहाँ न्यूजीलैंड का जहाँ ऑस्ट्रेलिया वीज़ा ट्रेंड को लेके था, और वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।